छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला मुख्यालय के जामपदर निवासी मसाराम के दो नाबालिग बच्चे 30 जून से लापता हैं, जिसकी रिपोर्ट 5 जुलाई को सिटी कोतवाली कोंडागांव में बच्चों के पिता ने करवाई थी। वही कोंडागांव पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। बता दें कि इस संबंध में नाबालिग बच्चों के पिता ने बताया कि दोनों बच्चे अपनी मां के साथ कोंडागांव के DNK कॉलोनी आए थे। घर लौटते अचानक दोनों बच्चे कहीं गायब हो गए, तब से अभी तक बच्चों का पता नहीं चल पाया है। वही इस संबंध अध्याय ने बताया कि 5 जुलाई होकर लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, दोनों बच्चों की तलाश कर रही है। इन लोग DNK हीरामा मैडम के यहाँ गए थे, तो वहां से आ रहे थे। मैंने वहां से वो तालाब के उधर वो नहीं है आपका उधरी बगे बोलती है, अब उधर पूरा खोज इसकी माँ के साथ थे, इन्हीं के साथ थे। गए थे क्या पुलिस वाले सर को गए उधर पूरा समझ जब इतवार दिन से बोले मिलेंगे, जैसी दिखाए थे फोटो वोटो सब लेके गया था। ठीक है देख लो खोज लो ढूंढ लो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसी बोले। मासाराम प्रयोग के द्वारा जिला 5/7/2024 के थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसके नाबालिग बच्चे दिनांक 30/6/2024 को कई बार खेल रहे थे, जिसके पश्चात वो कहीं चले गए हैं। आस पास लोगों को पता तलाश के पता नहीं चला है, जिसके पास रिपोर्ट के आधार पर थाने में अपराध पंजीकृत, वर्तमान में दोनों नाबालिग बच्चों की लगातार पता तलाश की जा रही है।